पटना में विपक्षी एकता पर होने वाली बैठक पर बने संशय को महागठबंधन ने खत्म कर दिया है। इसे लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी। सभी दलों की सहमति मिल गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सहमति दे दी है। साथ ही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एम के स्टालिन, डी राजा और अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सहमति दे दी है। माले से दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई से सीताराम येचुरी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 23 जून को विपक्षी तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी या तय हो गया है और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष जो लाइट माइंडेड पार्टीज़ जो हैं उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर अहम बैठक होनी है, इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। महागठबंधन की तिथि तय होने के बाद और सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व के सहमति के बाद अब तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची होगी। कई दिन से वो कह रहे थे कि महागठबंधन टूट गया, कोई मीटिंग नहीं होगी, किसके नेतृत्व में होगी। अब सभी बातों पे विराम लग गया, महागठबंधन की बैठक की तिथि तय हो गई और यह तय हो गया कि सभी दल के शीर्ष नेतृत्व उसमें। देखिए, ये तारीख पर तारीख देते जाएंगे। सच्चाई यह है कि महागठबंधन के लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी शर्तों के लिए बैठना चाहते हैं। इन्हें देश की फिक्र नहीं है, इन्हें भारत के लोगों के विकास की फिक्र नहीं है। ये अपने शर्तों को लेकर बैठना चाहते हैं और समझौता करना चाहते हैं। जब तक इनके अपने निजी हित साधे नहीं जाएंगे तब तक ये एक नहीं होंगे, यह बात स्पष्ट हो गया है।